नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन FIR सुविधा के बारे में। यह सुविधा क्या है, इसका उपयोग करने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस ने न कागज न थाना, आसान हुआ FIR कराना के जिस स्लोगन के साथ ऑनलाइन FIR की शुरुआत की थी, वह अब लोगों को एक सुखद एहसास करा रही है। अब लोग घर बैठे अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूटपाट, चोरी, गुमशुदगी आदि की FIR मोबाइल से दर्ज करा रहे हैं। उन्हें थाने चौकी के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं, मुंशी दीवान को घूस नहीं देनी पड़ रही है, किसी की सिफारिश नहीं लगानी पड़ रही है और बड़ी आसानी से सिर्फ एक क्लिक पर किसी भी जगह से अपनी FIR शिकायत या सूचना दर्ज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि जनता को FIR करने का अधिकार CRPC की धारा 154 के तहत मिलता है। इसको लेकर वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि धारा 154 के तहत FIR दर्ज करना अनिवार्य है, खासकर उन मामलों में जिनमें शुरुआती जांच संभव ना। अब हम आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन FIR करेंगे कैसे। इसके लिए सबसे पहले आपको यूपी कॉप ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर यूपी कॉप सर्च करना होगा। डाउनलोड होने के बाद ऐप पर शिकायतकर्ता को अपना पंजीकरण कराना होगा, इससे उसकी अपनी खुद की ID बन जाएगी। ID बनाने के लिए पीड़ित को अपना नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल, पासवर्ड डालना होगा। इन सभी के बाद मोबाइल पर OTP नंबर आएगा। इस OTP नंबर के डालने के बाद यह ऐप पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और आप 27 सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। इस ऐप की खास बात यह है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी आपके ईमेल पर आ जाती है। इसके बाद आप अपराध पंजीकृत होने, विवेचना स्थानांतरित होने, अभियुक्त के गिरफ्तार होने, माल बरामदी होने, चार्जशीट व फाइनल रिपोर्ट लगने, जांच अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि की जानकारी शिकायतकर्ता को SMS द्वारा भेज दी जाती है। यदि पीड़ित को किसी प्रकार की समस्या होती है तो वह इस ऐप में दिए गए फोन नंबर से उत्तर प्रदेश के पुलिस थाने और संबंधित जनपदों के क्षेत्राधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संपर्क भी कर सकता है। अब आपके लिए जानना आवश्यक है कि आप किन मामलों की ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। पहला, नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी। दूसरा, साइबर अपराध। तीसरा, वाहन की चोरी। चौथा, चैन की चोरी। पांचवा, पर्स बैग की चोरी। छठवां, चैन स्नैचिंग। सातवां, सामान्य चोरी। आठवां, डकैती। नौवां, लूट। और दसवां, नकबजनी। अब बात आती है कि यूपी कॉप ऐप के जरिए आप कितने प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। आप ई प्राथमिकी पंजीकरण कर सकते हैं, FIR विवरण देख सकते हैं, खोई वस्तु का पंजीकरण कर सकते हैं, पुलिस थाना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, दुर्घटना चेतावनी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चुराए गए या बरामद वाहन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध कर सकते हैं, घरेलू सहायक के सत्यापन का अनुरोध कर सकते हैं, कर्मचारी के सत्यापन का अनुरोध कर सकते हैं, किराएदार के सत्यापन का अनुरोध कर सकते हैं, जुलूस निकालने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, विरोध या हड़ताल पंजीकरण के लिए अनुरोध कर सकते हैं, कार्यक्रम या प्रदर्शन के लिए अनुरोध कर सकते हैं, फिल्म की शूटिंग के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी देख सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक सहायता ले सकते हैं,
दिव्यांग सहायता ले सकते हैं, आप पुलिस से सूचनाएं साझा कर सकते हैं, पुलिस कर्मी के खिलाफ खराब व्यवहार की शिकायत भी कर सकते हैं और अपनी स्थिति की खोज भी कर सकते हैं, अज्ञात शव के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लापता व्यक्ति के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इनामी अपराधी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, गिरफ्तार अभियुक्त के बारे में जानकारी ले सकते हैं, साइबर जागरूकता अभियान के बारे में जान सकते हैं और पुलिस अधिकारी को फोन करके बात भी कर सकते हैं। इस प्रकार के यूपी कॉप ऐप के जरिए आपको 27 प्रकार की ऑनलाइन सुविधाएं दी जाती हैं। हालांकि जो दस्तावेज जिलाधिकारी के यहां से जारी होते हैं उसके लिए ऐप को ई डिस्ट्रिक्ट पोस्टल से जोड़ा गया है, जिससे आपको दस्तावेज मिलने में कोई परेशानी ना हो। हालांकि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑनलाइन FIR की सुविधा से जहां कई पीड़ित लोगों को फायदा हो रहा है, तो वहीं इस सुविधा को लेकर कई लोगों के मन में कई आशंकाएं भी। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस सुविधा से लोगों को फायदे क्या हो रहे हैं। पहला है फायदा यह है कि ऑनलाइन FIR की मदद से लोग बिना किसी परेशानी के घर बैठे आसानी से FIR दर्ज करा रहे हैं। दूसरा फायदा, पुलिस FIR दर्ज करने से मना या टाल मटोल नहीं कर पा रही। तीसरा फायदा, लोग पुलिस थाने जाने में असहज हो जाते थे या डर जाते थे कि पुलिस FIR दर्ज करेगी या नहीं, अब इस समस्या से मुक्ति मिल गई। चौथा फायदा यह है कि लोगों को अब FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस को घूस नहीं देनी पड़ती और किसी की सिफारिश नहीं लगानी पड़ती है। और पांचवा फायदा यह है कि सुविधा से महिलाओं को बहुत राहत मिली है, उनके लिए FIR दर्ज करवाना बहुत आसान हो गया। अब बात आती है कि EFIR की सुविधा से नुकसान होने की क्या आशंका है। पहला नुकसान यह है कि EFIR से कई लोगों को झूठ बोलने में आसानी होगी, वह गलत आरोप भी लगा सकते हैं। दूसरा नुकसान यह है कि इस सुविधा का फायदा उठाकर कोई भी व्यक्ति अपने विरोधी की छवि खराब कर सकता है। तीसरा नुकसान यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और उन्हें इंटरनेट का प्रयोग करने की समझ भी नहीं है। चौथा नुकसान यह है कि पुलिस विभाग ने इस सुविधा को लेकर भरपूर जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाया है, जिसके कारण अधिकांश लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं जिन लोगों को इस बारे में जानकारी भी है उनकी शिकायत है कि यूपी कॉप ऐप पर सूचनाएं अपलोड ही नहीं हो पाती हैं। इस मामले में पहला मामला मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र के चेरुइया गांव का है, जहां के निवासी संजय यादव कहते हैं कि उनके घर पर आकर बदमाशों ने फायरिंग की थी। इस घटना की सूचना मैंने कोपागंज थाने की पुलिस को दिया था, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। ऑनलाइन FIR के बारे में मुझे जानकारी ही नहीं थी, अन्यथा मैं इसका इस्तेमाल करता। वहीं दूसरा मामला मऊ जिले के ही मधुबन थाना क्षेत्र का है, जहां के निवासी अक्रम का कहना है कि उसकी बाइक उसके दरवाजे से चोरी हो गई थी। मुकदमा दर्ज कराने के लिए उसे कई दिनों तक थाने के लिए दौड़ना पड़ा। उन्होंने एक परिचित की सलाह पर DIG आजमगढ़ के पास पहुंचकर गुहार लगाई। DIG ने उसे इस ऐप के बारे में बताया और स्वयं भी SP को फोन कर पीड़ित की मदद करने को कहा। अब अंत में हम यही कहेंगे कि ऑनलाइन FIR की सुविधा से सामान्य अपराधों की शिकायत के लिए थाने का चक्कर लगाने से लोगों को थोड़ी राहत तो अवश्य मिली है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और FIR करने में आ रही समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीड़ित लोगों द्वारा जो FIR की जा रही है उसको ठंडे बस्ते में न डाला जाए, उस पर उचित कार्रवाई हो, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा जागे और हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। आज बस इतना ही, अगली मुलाकात में हम आपके लिए एक नया मुद्दा लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।